श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की नासिका, नासिका अंग, उसका वर्णन यहाँ पर है। नासिका के साथ साथ में भ्रिकुटी, तिलक, ललाट पर इसका भी साथ साथ में वर्णन आएगा। गौर निर्मल नासिका शोभा न आवे माहे सुमार। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की नासिका गौर वर्ण की है, बड़ा ही निर्मल, जिसमें दूसरे कोई विकार, मतलब जैसे फेस में किसी कुछ दागी होती है, कुछ होता है ना, ऐसा कुछ भी ना हो, तो वो निर्मल है, मल रहित। शोभा ना आवे माहे सुमार, उनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। सुमार में आना गिनती में अथवा किसी वर्णन के अंदर आना, तो ये सुमार होता है। बेसुमार कहेंगे जिसका पारावारी नहीं है। आशिक जाने मासुक की जो खुले हुए पट द्वारा। वास्तव में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में तो आशिक अनुरागिनी आत्मा ही जान सकती है। उनके नासिका के विषय में हो, दूसरे अंगों के विषय में, अभी यह नासिका का वर्णन चल रहा है। जो खुले हुए पट द्वारा, जिनके अंदर के द्वार खुले हों, अंतःकरण के द्वार पट खुले हों, वो अनुरागिनी आत्मा समझ सकती है। निपट शोभा है नासिका, नासिका की शोभा अत्यंत सुंदर है निश्चित रूप से। सोहे तैसाई तिलक, उसी प्रकार नासिका के ऊपर तिलक भी बड़ा सुंदर सुशोभित होता है। और नहीं निमुना इनका ये स्वरूप अरसाहक, ये तो परमधाम के स्वरूप हैं, अखंड स्वरूप हैं, उनका उदाहरण दुनिया में कहीं भी नहीं है। इस दुनिया में इस प्रकार का उदाहरण कोई कुछ नहीं है। कई खुशबोए अरस की लेवत है नासिका। नासिका की विशेषता क्या है, परमधाम के अनेक सुगंधी वो ग्रहण करता है, करती है नासिका, उसमें बड़ी उसमें क्षमता है। दो नेत्रों के बीच में शोभा क्यों कहूँ सुंदरता, दोनों नेत्रों के बीच में है, इसकी शोभा और सुंदरता का क्या वर्णन करें। रंग उजलाई अरस की झाई झलके कसुम बबका, तो नासिका में परमधाम को उज्जवल रंग झलकता है और उसमें झाई झलके कसुम बबका, और कुसुम्भ कुसुम्भ वो केसरिया केसरिया लाल लाल रंग, तो उस टाइप के रंग की झाई आभा झलकती है। देत सलू के कई सुख रुह नयन को नासिका, इस प्रकार यह नासिका है, बड़ी सुंदर है, तो ये आत्माओं को अनेक प्रकार के सुख देती है। तो ब्रह्मात्माएं दर्शन करती है तो उनको अपार आनंद का अनुभव होता है। ये नासिका पहले सुगंध लेती है और फिर ब्रह्मात्माओं को देती है। कहने का तात्पर्य, जहाँ कहीं भी जिस जिस स्थानों में अक्षराते दामदनी ब्रह्मात्माओं को लेकर जाते हैं, तो पहले वो सुगंध लेते हैं, फिर नासिका के द्वारा लेंगे ना, फिर ब्रह्मात्माओं को बोलेंगे देखो इससे ऐसा सुगंध आता है। तो ब्रह्मात्माएं तो श्री राज्य के साथ में इतने मस्त होते हैं, उनको दूसरा कुछ पता ही नहीं रहता है, तो जितना दिखाएंगे उतना पता चलता है। इसलिए जिस दिन जो सुख दिखाया, जो आनंद दिया, तो उनको लगता है कि ऐसा तो आज ही मिला है, दूसरे दिन भी ऐसा ही मिलेगा, किंतु तो वो श्री राज्य के प्रेम में इतने मस्त होते हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है।
ए छबब फब कोई भात की निलाट तिलक बीच नैना। ये छवि फबती है, अच्छी लगती है, ऐसे अलग अनूठी प्रकार से इस ये सुशोभित है। निलाट तिलक बीच नैना, तो दोनों नयनों के बीच से ऊपर के भाग में निलाट पर तिलक है। ए आशिक नाशिका देख के पावत आए सुख चैना। अनुरागिनी आत्मा दोनों ललाट के बीच में नाशिका और ऊपर तिलक, वो दोनों आँखों के बीच में नाशिका और ऊपर ललाट के बीच में तिलक, ये देख करके बड़ी आनंदित होती है। भोए भाषत भली भात सु, भ्रिकुटी भी बहुत सुंदर सुशोभित है। पापन पलकों पर, और ये पलक आँख के इसके ऊपर, तो ये इस भाग को ये पापन बोलते हैं, पलक, तो वो झपकती है अथवा न भी झपके तो उसके ऊपर भ्रिकुटी की शोभा है। ए नयन शोभा सहु नूर जहूर, ए जाने मोमिन अंतर। अब भ्रिकुटी की शोभा और नयन की शोभा दोनों में प्रकाश से ही फर्क पड़ता है, दोनों की आभा, दोनों की चमक, तो ये ब्रह्मात्मा जानती है। बाकी तो जिनको बारीकी से पता नहीं चला सूक्ष्म रूप से, उन्होंने तो परमात्मा को तो बस वो प्रकाशमय है, ज्योतिष का पुंज है, ऐसा करके बोल दिया। जिनको सूक्ष्म रूप से दर्शन नहीं हुए, ऊपरा ऊपरी दर्शन हुए, तो उनको तो प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया। जैसे अभी देखो ये लाइट है, बस एक ही है ऐसा लगेगा सामान्य रूप से। अब इसमें तो थोड़ी सी चमक इस प्रकार की होती है, आँख को अच्छी नहीं लगती है। यदि अच्छी लगती तो उसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग वस्तुएं दिखेगी, सब में से अलग अलग प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा होता है। उसमें अलग अलग कण हैं, वो चमकते हैं, उसके हिसाब से फिर वो बाहर निकलता है। अब ये इतने सूक्ष्म रूप से तो नहीं दिखाई देते हैं, वास्तव में दिखाई दें तो यदि इनका एनालिसिस करते हैं तो इनमें भी ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को भी सामान्य लोगों ने यही कह दिया तो वो चमक है, ज्योति स्वरूप है, ऐसा कह दिया। तो वास्तव में ज्योति उस स्वरूप से निकल रही है, वो बात यहाँ पर समझा रहे हैं। अरस फूल सुगंधा अनगिनती, परम धाम के फूलों के सुगंध है, वो उसकी भी संख्या का कोई पारावार नहीं है। ऐसा बनाए कहो कोई कहीं किसी का कहीं के भी किसी भी सुगंध का कोई पारावार ही नहीं है। रसांग चीजें सब अरस के, रसांग रसायन कहीं पर धातु के लिए भी कहा है। परम धाम के सब रसायन और चीज वस्तुएं कोई जरा न बिना खुश हुए, सुगंध के बिना कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब में सुगंध है। कोई भी किसी भी प्रकार की वस्तु, कोई भी सामग्री हो, सब में सुगंध, वो तो सब में से सब में रस है, रस के अंग है, इसलिए उसको रसांग कह दिया। सो खुश भय सब लेता है, इसलिए उसी उस सुगंध को सब कोई लेता है। रस प्रेमल सुगंध सारा, ये प्रेमल वो तो प्रेमल भी उसके लिए बोलते हैं जिसमें से सुगंध आती हो ना, तो वो प्रेमल, तो ऐसा है वो रस है और रस से वो सुगंध निकलती है, इस प्रकार से वो प्रेम रस है, उसमें से सुगंध निकलती है। सब भोग विवेके लेता है, अकनाशिका भोगतार, सब भोग सब भोगों को विवेक से लेती है, कहने का तात्पर्य एक एक करके उनका अनुभव करती है ये नाशिका, अकनाशिका भोगतार। तो ये ना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के नाशिका ये भोगता है। ओ अब र तो ऊपर सार है ना, उस तरह से प्रास मिलाने के लिए लगा दिया भोगतार, वास्तव में भोगता ही ये शब्द है।
एक को जाने रस सवन के, को जाने भोग सवन, परम धाम के सारे रस को और उनका स्वाद कौन जान सकता है। सब भोगी हक नासिका हक सुख लेत देत रोहन, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये नासिका है, ये सारे सुगंध को ले सकती है और ब्रह्मात्माओं को भी देती है। पहले स्वयं लेते हैं और फिर अक्षराते धामधनी सबको बोलते, देखो इसमें ये सा सुगंध है, इसमें ये स्वाद है, इस प्रकार से समझाते हैं। चित चाया नासिका भूषण खुशबोए लेत चित चाहे, नासिका के आभूषण है वो भी अक्षराते धामधनी जैसा चाहते हैं उसी प्रकार के हैं। सुगंध भी खुशबोए लेत चित चाहे, अक्षराते धामधनी जैसा सुगंध चाहते हैं उसी प्रकार का सुगंध अलग अलग वस्तुओं से प्राप्त होगा। चित चाई ज्योत शोभा धरे, परम धाम की सभी वस्तुएं सब सामग्री अक्षराते धामधनी जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से उनसे ज्योति निकलती है। सुख नासिका अंगन समाये, सुख आशिका अंगन समाये, और परमधाम के ये सुख हैं आशिक के अंग में समाते नहीं हैं अनुरागिनी आत्माओं के, तो उनके बलबूते की बात नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म ही जैसा चाहते हैं उस प्रकार से करते हैं। आत्माएं तो उसमें से जो आस्वादन करती है उसी में वो मस्त रहती है। हक सुख खुश बोए के, कई नए नए भोग लेता पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, ये अलग अलग प्रकार के सुगंधी इसी नासिका के द्वारा लेते हैं। पहले सुगंधी का सुख स्वयं लेते हैं, कई नए नए भोग लेते, नए नए आस्वादन करते, अलग अलग सुगंध का आस्वादन करते हैं। ले ले हक विवेकसों धामधनी, इनको एक एक करके लेते हैं और नए नए रूहों सुख देता और आत्माओं को भी नए नए सुख प्रदान करते रहते हैं। तो ये सब नासिका के द्वारा हो रहा है, उसका महत्व बता रहे हैं। कई कई लाड़ रोहन के लेत देत अरस परस, अनेक लाड़ ब्रह्मात्माओं के साथ में उसका आदान प्रदान करते हैं। नित नये सुख देत सनेसों जानो नया दूजा लिया सरस, नित नये सुख प्रदान करते हैं तो जानो नया दूजा लिया सरस, तो ब्रह्मात्माओं को उस समय ये लगता है कि ये तो एक अलग ही प्रकार का है, यद्यपि वो बार बार उस प्रकार का आनंद लिया होगा किंतु उनको ऐसा ही अनुभव होता है, ये अलग ही प्रकार का है। तो ये परम धाम की विशेषता है, ये अखंड की विशेषता है। नित लेत प्रेम सुख अरस में जानो आज लिया नया भोग, नित्य सुख प्राप्त करते परम धाम में किंतु ब्रह्मात्माओं को जब अनुभव कर रही होती उस समय उनको लगता है ये तो अभी ही मिला है। यूँ हक देत जो हमको नित नए प्रेम संयोग, इस प्रकार अक्षराते धामधनी हम लोगों को नित्य नए तरीके से प्रेम प्रदान करते हैं। जीमी जल तेज वाय बन जो कछु बीच आसमान, परम धाम में जो भी है भूमि जल तेज वायु आसमान और वन उपवन वगैरह जो भी सामग्री सब खुशबोए नूर में सब प्रकाशमय हैं और उसमें सुगंध है। सुख देतर रूहों सुभान, उन सुखों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मात्माओं को प्रदान करते रहते हैं। महामत कहे अकनाशिका या कि सुभान आवे सुमार, महामति कहते हैं ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की नासिका का थोड़ा सा महत्व समझा है, या कि सुभान आवे सुमार, इनकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। कछु बड़ी रूह मोमिन जान ही, उनमें से थोड़ा सा अंश श्री श्यामा जी, बड़ी रूह श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्मा जानते हैं। जाको निश्चय दिन यही विचार, जिनको रात दिन यही विचार होता है, श्रीराज्य के सुखों का ही चिंतन करती रहती है, आनंद का ही चिंतन करती रहती है, तो वो थोड़ा थोड़ा जानती है। वो भी जितना अक्षराते दामदनी जनाना चाहते हैं उतना जानती है। तो इस प्रकार
नासिका, नासिका के साथ में भृकुटी, नीलार्ध, तिलक, इन सब की बातें संक्षेप में समझा दी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाको निषदिन एहि विचार, महामत कहे हक नासिका, या की शोभा न आवे सुमार, कछो बड़ी रूह मोमिन जानही। जाको निषदिन एहि विचार, जाको निषदिन एहि विचार।